देवभूमि उत्तराखंड पर लगता है इंद्रदेव कुछ ज्यादा ही मेहरबान हो गए हैं। इंद्रदेव की मेहरबानी अब लोगों के लिए परेशानी का सबब बनती जा रही है। आसमान से पड़ती आफत की बौछारों ने जमीन पर लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। नदियों में पानी भर गया है, लोगों के घरों में पानी घुस गया है। कई स्थानों पर SDRF को राहत और बचाव कार्य में लगाया गया है। मौसम विभाग ने 72 घंटे तक लगातार बारिश होने की चेतावनी दी है। पिछले दो दिनों से ज्यादा समय से बारिश हो रही है, जिससे जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बारिश से बहुत जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। मुझे कहीं गड्ढे नहीं भर रहे, सड़कों पे इतना पानी है, घरों में पानी घुस रहा है लोगों, कहीं नालियाँ नहीं है, कहीं निगम निगम में कुछ नहीं हुआ, इसलिए बहुत परेशानी है। हर आदमी परेशान है, बच्चे स्कूल नहीं भेज पा रहे हैं, हमें खुद ऑफिस निकलने की दिक्कतें आ रही हैं, पानी इतना गंदा आ रहा है कि रोड पे आदमी आधा पूरा डूब रहा है। भाई साहब बहुत दिक्कतें हो रही हैं। अब क्या बोलते हैं, जो रोज के काम है हमारे वो सारे रुके हुए हैं, उस वजह से कहीं जाना जाना बिल्कुल, सड़कों पे भी गड्ढे भरे पड़े हैं, बच्चों के स्कूल आने आने में बड़ी दिक्कतें हो रही हैं। तो मतलब ये है कि डेली का जो हमारा काम है सारा रुका पड़ा है। बेतरतीब हो रही बरसात से सड़कों का भी बुरा हाल हो गया है। जगह जगह से सड़कें टूट गई हैं, भूस्खलन से कई जगह रास्ते बंद हो गए हैं। लोगों को राहत शिविरों में दिन और रात गुजारनी पड़ रही है। बाढ़ से लोगों को सुरक्षित पनाह देने के लिए जगह जगह राहत शिविर लगाए गए हैं। अकेले पिथौरागढ़ में ही 16 शिविर लगाए गए हैं, जिनमें 83 परिवारों के कुल 289 सदस्य रह रहे हैं। भारी बरसात से नदियां भी उफान पर है। नदियों का जल स्तर खतरे के निशान को छूने को बेताब है। खतरे के निशान के पास नदियां, पिथौरागढ़ में काली नदी का जल स्तर 889.10 मीटर पहुंच गया है, जो खतरे के निशान से मात्र 90 सेंटीमीटर कम है। सरयू नदी का जल स्तर भी 447.30 मीटर पहुंच गया है, जबकि खतरे का निशान 453 मीटर है। टिहरी बांध का जल स्तर 800 मीटर के निशान पर पहुंच गया है, जबकि अधिकतम सीमा 830 मीटर है। हरिद्वार में गंगा का जल स्तर 292.80 मीटर पहुंच गया है, जबकि खतरे का निशान 294 मीटर है। रुद्रप्रयाग में अलकनंदा का जल स्तर 623.65 मीटर को छू गया है, जो खतरे के निशान 627 मीटर से कुछ ही नीचे है। इसी तरह रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी का जल स्तर भी खतरे के निशान 625 मीटर की तुलना में 622.65 मीटर पर पहुंच गया है। प्रदेश में लगातार हो रही बारिश से कई जिलों के कई सड़कें बंद हो गई हैं। ओजरी और डाबरकोट में मलबा आने से ऋषिकेश यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर ट्रैफिक बाधित है। उत्तरकाशी जनपद में मलबा आने से 10 ग्रामीण मार्ग अवरुद्ध हैं। देहरादून जनपद में 7 ग्रामीण मोटर मार्ग, टिहरी जनपद में 1 राजमार्ग और 15 ग्रामीण मोटर मार्ग अवरुद्ध हैं। चमोली जनपद में 35 मोटर मार्ग मलबा आने से बंद हो गए हैं। ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग लामबगड़ में मलबा आने से अवरुद्ध है। पौड़ी जनपद में मलबा आने से 27 ग्रामीण मोटर मार्ग बंद है। पूरे प्रदेश में ऐसा ही हाल है। लगातार हो रही बारिश से हालात और भी खराब होते जा रहे हैं। भारी बरसात के चलते जगह जगह से पहाड़ भी टूट रहे हैं। चमोली में लगातार हो रही बारिश से पहाड़ टूट गया। इन्हीं परेशानियों के सामने सरकारी स्तर पर मुहैया कराई जा रही राहत और बचाव कार्य नाकाफी साबित हो रहे हैं। जाहिर है प्रकृति की मार से सिर्फ प्रकृति ही बचा सकती है। लोगों को अब बारिश के बंद होने का इंतजार है। देहरादून से योगेश सेमवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट APN।